हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होती है। हाँ, लोग सुनते हैं और सोचते हैं कि हाँ चलो, बहुत सारी स्त्रियों के साथ भगवान का संपर्क आया होगा, पर इनमें 16,100 रानियाँ ऐसी थीं जो कि भौमासुर नाम के एक असुर ने किडनैप करके रखी थी, और उस समय के हिसाब से उनकी शादी होना भी बहुत मुश्किल था। भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध करके इन सारी राजकुमारियों को मुक्त किया था, और इन सारी राजकुमारियों ने भगवान को खुद को समर्पित कर दिया था। सब ने भगवान को अपना पति बनाने की इच्छा प्रकट की थी, और इसीलिए भगवान ने इन सब राजकन्याओं से विवाह किया। अब ये विवाह किया तो किया कैसे? क्या भगवान एक ही जगह बैठे थे और 16,000 और 100 राजकन्याएं आसपास बैठी थी, या एक दिन एक से, फिर दूसरे दिन दूसरी से, तीसरे दिन ऐसा विवाह किया, फिर 16,000 तो कब ख़त्म होती? भगवान कृष्ण ने एक ही समय अपने आप को विस्तारित किया 16,100 रूपों में, जो कि स्वयं भगवान ही थे। इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में करते हैं। ये है भगवान, जो कि अपने आप को अपनी इच्छा के हिसाब से अपने ही जैसे रूपों में विस्तारित कर सके, और फिर से उन रूपों को अपने आप में समेट सके। ये सारी रानियां भी भगवान की अंतरंगा शक्ति के ही रूप थीं। साक्षात भगवान की लक्ष्मी देवी थी। कुछ लोग भगवान पर ऐसा आरोप भी करते हैं कि वो कामांध थे, इसीलिए इतनी सारी रानियों से शादी की। इस पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो भगवान हैं, उनको अपनी इच्छाएं या अपना आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर से या इस भौतिक जगत से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप उन्हें कामांध भी कहते हो तो वो असीमित कामांध हैं। 16,000 क्या, इसके आसपास के अंक की भी पत्नियां कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं कर सका है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 16,000 ये जो अंक है भगवान के लिए बहुत ही छोटा सा है या नगण्य है। 16,000 ही क्यों, 16,00,000, 16,00,00,000 असीमित पत्नियां भगवान कृष्ण विवाह कर सकते हैं उनसे। ये सारी जो रानियां थी, ये भगवान की स्वयं शक्ति होते हुए भी भगवान के हमेशा अधीन थी। इससे हमें ये समझ में आता है कि अधीनता में भी एक अलग प्रकार का नूर है, एक अलग ही झलक है, एक अलग ही चमक है, और ये रानियां भगवान पर उनकी ही शक्ति होने का या उनकी बराबर की कोई होने का कोई भी बर्ताव नहीं करती, ना कि भगवान को कभी ऐसी इच्छाएं प्रकट करती हैं। हमेशा भगवान के अधीन रहती हैं, भगवान से आश्रित रहती हैं। वैसे ही इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर पत्नी ने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। तो जैसे भगवान कृष्ण की पत्नियां उनसे अधीन रहती थी, उनके आश्रय में रहती थी, और उसमें एक अलग और एक अलौकिक नूर था, वैसे ही नूर एक पत्नी अगर अपने पति के अधीन रहे तो उसके जीवन में उसे ज़रूर अनुभव करने को मिलेगा। क्योंकि ये भगवान कृष्ण की ही शिक्षा है कि हर पत्नी ने अपने पति के अधीन रहना चाहिए और अपने पति की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण की रानियां उनकी सेवा करती थी। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।